मैं यहाँ सुनील शर्मा जी के साथ हूँ, जो एक चेस कोच है नासिक महाराष्ट्र में, पर जिनकी पहचान ऐसे कह सकते हैं कि विदित गुजराती के पहले कोच थे। सुनील जी, क्या ये सही है, आप विदित के कोच थे? जी हाँ, सही बात है। कैसा, आपने जब विदित को ट्रेनिंग करना शुरू किया था तो किस तरह से आपने उसको चेस में इंटरेस्टेड किया था? चेस में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उस वक्त, और उसी के साथ साथ बुक्स का उसको इंटरेस्ट मैंने बढ़ाया। ओपनिंग, एंड गेम और मिडल गेम में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम पोजीशंस और प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका इंटरेस्ट मैंने बढ़ाया। सो कब था ये, मतलब कौन से साल में वो आपके पास वो आया था? जब 7 साल का था उस वक्त में एक टूर्नामेंट चल रही थी हमारे यहाँ, मैं उसे वहाँ से लेकर आया था और उनके पेरेंट्स को मैंने बोला कि आप मेरे पास इसे छोड़िए और ये लड़का बहुत आगे जा सकता है। ऐसे क्यों लगा आपको? क्योंकि जब हम लोग बैठते थे पोजीशन सॉल्व करने के लिए तो विद इन सेकंड में वो हर कोई पोजीशन सॉल्व करके बताता था, तो ये एक, और मैं अगर नहीं जाऊँ उसको सिखाने के लिए तो उसका फ़ोन आता था मेरे पास कि आप आज क्यों नहीं आए। तो ये साइंस थी कि एक अच्छे प्लेयर्स बनने की, तो वो मुझे दिखाई दिया और बहुत ही, वो जब टूर्नामेंट खेलता था हार जाता था तो बहुत सारा रोता था, तो ये भी एक साइकोलॉजी है अच्छे प्लेयर्स की, रोना। एक्चुअली ये काफ़ी आप उल्टा कह रहे हैं, बहुत जन को लगता है रोना मतलब बुरी बात होती है, आप कह रहे हैं अच्छी बात है। अच्छी बात है वो, यानी उसको एक फीलिंग्स है मुझे जीतना चाहिए, तो ये फीलिंग्स उसके अंदर थी और मैं कोचिंग के वक्त हर प्लेयर्स के जो है विल पावर बढ़ाता रहता हूँ। किस तरह से विल पावर रहेगी, यानी प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसकी विल पावर बढ़ाने के लिए, तो मैं उसकी विल पावर भी बढ़ाई और इसीलिए आज वो अच्छा खेल सकता है। आज तो वो वर्ल्ड का टॉप 30 में प्लेयर है, 2700 के ऊपर। जी, ये मुझे बहुत खुशी है, और एक कोच के लिए जब उसको उसका नॉलेज कितना है उसे उस खुद को मालूम होना चाहिए, और जब वो वहाँ रुकना चाहता है तो उसने रुकना चाहिए अपने, और अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे कोच के पास भेजना चाहिए। तो आपको कब लगा कि विदित आपसे अब कुछ और नहीं सीख सकता और किसी और के पास भेजना और चाहिए? सीखना अलग बात है, सीखा हर कोई आदमी सकता है, मगर जहाँ उसके जो इंटेलिजेंसी थी वो बहुत बड़ी थी तो उसको अगले कोच के पास भेजना ये मेरा पहला काम था, और मैंने वो उस वक्त किया, और अनूप देशमुख के पास मैंने उनको भेजा, इंटरनेशनल मास्टर जो थे, और उन्होंने बाद में उसको सिखाया। पर बहुत सारे कोच ऐसे रहते हैं जब वो कोई टैलेंट को ढूंढते हैं वो कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है, मैं किसी और के पास नहीं भेजूंगा, इसीलिए इंडिया पीछे, यही एक कारण है हम लोग पीछे रहने का कि हम अपने लिमिटेशन को नहीं पहचान पाते, और वो कोच अच्छा वही है जो अपने लिमिटेशन को पहचाने, तो ही प्लेयर्स अच्छे बन सकते हैं। और एक चीज़ जो विदित कहता है वो है कि उस जब अब ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व करता है तो काफ़ी फास्ट सॉल्व करता है, इवन मैंने काफ़ी वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को देखा है टॉप 10 के, उससे भी वो फास्ट सॉल्व करता है। तो वो कहता है कि बचपन में उसके पहले कोच ने उसे ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग अच्छे से दी थी। हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे जो मिनीचर्स गेम्स है वो मैं उसको लिख के देता था और लगाने के लिए बोलता था, और बाद में उससे वो पूछता था, वो पूरे के पूरे बता सकता था, और प्रॉब्लम जब सॉल्व करते थे उसी वक्त भी हम लोग ये सिस्टम एडोप्ट करते थे इसीलिए। और एक बात थी, उसको बोर्ड बंद करके मैं कलर्स पूछता था कि E4 का कौन सा कलर है या दूसरा कोई कलर उससे, तो इसके वजह से भी उसको बोर्ड अच्छी तरह से ध्यान दे रहा। अब आप जब विदित को टॉप पे खेलते हुए देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो और आगे बढ़ सकता है, वो टॉप 10 में जा सकता है, वर्ल्ड चैम्पियन तक पहुंच सकता है? जी हाँ, लग सकता है, दे वो जाएगा, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। आपसे और आपके और कौन स्टूडेंट्स हैं, और आप अभी भी ट्रेनिंग कराते हैं? जी, अभी भी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, यहाँ एक मेरी स्टूडेंट आई हुई है ये सृष्टि रांका करके, वो भी मेरे पास 2 साल थी, उसके बावजूद एक ओवी व्यवहार करके 7 साल की लड़की है, वो भी अच्छा अभी कर रही है, और जल्दी वो
ग्रैंड मास्टर बन सकती है। तो ये नासिक में ही आप सिखाते हैं? जी, नासिक में ही है। ठीक है सुनील जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इंडिया को एक बड़ा जेम देने के लिए, ज्वेल देने के लिए विदित जैसा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।